हमारे की मायशो की शक्ल देखो कैसे कैसे बना रखी है। मायरा की शक्ल देखो। पैसे चाहिए? लो पैसे। नहीं नो पैसे, नो पैसे दो मायशो दो। इनको लेना तो ना। नहीं बेटा नो पैसे, छीन ले आप वो, छीन लो नहीं तो ले लेगी वापस से। यार मायशो खाने के लिए ये बिछी। बहुत सुंदर लग रहा है तू इस कलर में। पहले दिन शादी के बाद जा रहे हैं ससुराल। मामी सजावट यहाँ तो का जोया यहाँ पे मामी के बाल बांध रही है क्योंकि मामी भी जा रही है हमारी दुल्हन को लाने, जिसे कहते हैं मामी से क्या कहते हैं पहली पठानी ना। ओ मैं इससे पहले कई बार मतलब जब रस्में वगैरह हो रही थी तो मम्मी पापा का जाना होता था तो मैं बाहर ही रहता था, अंदर नहीं जाता था, तो मैं वो सोचता था कि पहली बार कौन सा दिन होगा जब मैं जाऊंगा। अब जा रहे हो ना पहली बार ससुराल। वालेकुम सलाम। ये बताओ अब घर पे पहुंचने वाले हम, ये वहां पे खड़ा हूं मैं नए बस अड्डे के पास, तो कहां पे आना है फिर? नए बस अड्डे से आ जाओ मेरा रोड। तो मैं घर के बाहर खड़ा हूं, कोई भेजो तो किसी को। घर के बाहर खड़े हो? घर के बाहर खड़ा हो तुम, भेजो किसी को यार। अब कहाँ पर, कहाँ पर खड़े हो ना, जगह तो बताओ। जगह ये जस्ट घर के नए वाले घर के सामने। दिखते नहीं रहे हो, लो ना रहे हो मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शादी के 4 दिन बीत चुके हैं, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इन प्रोसेस है ठीक होने के लिए। सो आज हमारी फर्स्ट पठौनी, मतलब गाँव की लैंग्वेज में मुझे पता है पहली पठौनी कहते हैं, जिसमें दुल्हन को हम पहली बार शादी के बाद घर वाले लेने जाते हैं। कितने भी जा सकते हैं, डिपेंड 3 लोग 5 लोग 7 लोग, मतलब इस तरीके से कुछ जाते हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा और फहीम मामा मामी गए हैं और भाभियाँ और मैं घर पर ही हैं, सब लोग घर देखना है और भी, और फिर मेरे को ना फहीम का रूम भी साफ़ करना है, सब कुछ काम करना है। अच्छा वो लोग निकल गए हैं रेडी होके, आपको सुबह मैंने दिखाया था भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सिकंदर भाई भी जाते हैं लेकिन उनका ऑफिस को ऑफ, उनके ऑफिस से उन्हें ऑफ ही नहीं मिला तो इसलिए वो भी नहीं गए। अभी मैं उठी थी, बहुत टाइम हो रहा है, क्या लेट उठी थी, मेरे को ब्रेकफास्ट में खाने का दिल कर रहा है आलू के पराठे, घर में बनी थी पकौड़ियाँ, मैं 2-4 टेस्ट करी बट नहीं, मेरा मन आलू का पराठा खाने का, तो मैं आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। आज दुल्हन हमारी आएगी तो आज का ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मैंने धनिया काटी है और ये रहे हमारे आलू, सब्जी थी आलू की और उसमें मैं ये डालूंगी। माई कंडीशन इज़ नॉट गुड, पर मायशा कितना इन्जॉय कर रही है यहाँ पे, होली में बच्चे गया धमाल। हम लोग रेडी हो रहे हैं, मैं भाभी मेरी तोनी भाभी मारी तोनी भाभी भागी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ कपड़े खरीदने हैं। भाभी तो शाम को आएंगी, छोटी वाली कॉपीराइट आ जाएगा, भाभी तो शाम को आएंगी, तो जब तक हम कुछ मार्केट करने जा रहे हैं, भाभी को भी संभाल लेना, हमें तीनों बच्चे संभालने हैं। मैं रेडी होने जा रही हूँ बट मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी का ड्रेस है जो मैंने पहना है, मैं अपने सारे कपड़े कल ही घर पे छोड़ के आ गई थी क्योंकि मेरे पास, मैं आज रुकने वाली हूँ कल चली जाऊँगी, तो बाहर जाने के मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं थे, तो मैं जैसे तैसे ही मैनेज कर रही हूँ, अंदर के मैंने वार्मर्स रख लिए थे बट हाँ जाना तो है ही। सब मार्केट आ गए, हमें जो मेन सामान लेना था वो तो हमने ले लिया। बच्चों के साथ मायशा ने तो इतनी बुरी हालत कर दी है ना, पता नहीं वो क्या खा रही थी, लॉलीपॉप, सब चिप 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 चिप, दोनों बहनें झगड़ गई। मेरा अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा लेना होगा तो वो लेंगे, फिर हम सीधा घर भाग जाएंगे। A few moments later. हम लोग घर वापस आ गए मायशु के साथ, उसकी बड़ी मामी छोटी मामी खेल रही हैं, बड़ी मामी थक गई हैं थोड़ी सी। हम चाय बनाएंगे हैं मायशु। अच्छा जारा को बहुत मन था कुछ खाने का तो मैंने पूछा बेटा क्या खाओगी, तो जारा ने क्या बोला, मायशा देखो पिज्जा, पहले मायशा को देखो, जारा ने पिज्जा बोला तो बुआ ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया,
घर में भी मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा निकल चुके हैं दुल्हन को लेके, तो फहीम और फहीम की दुल्हन और घर वाले आने वाले हैं, एक डेढ़ घंटा लगेगा। और अभी हम बहुत अच्छा सा डिनर ऑर्डर करेंगे या फिर बनाएंगे। नीचे से पिज्जा, पिज्जा आ गया बेटा, पिज्जा आ गया, आ गया सच में आ गया, देखो पिज्जा आ गया। अरे गिरी का, एक सेकंड भैया ऐसे पकड़ाना, थैंक यू माशा। पिज्जा, ओ पिज्जा आया रे, बाजी सामने वाला, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। जी मैं ही हूँ, हाँ जी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, थैंक यू सो मच भैया। लोहड़ी के लिए आया है, लोहड़ी लोहड़ी के लिए सामान आया है। अच्छा तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में फंक्शन है, उसके यहाँ पीलिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसकी भाभी को बेटा हुआ था तो उसने इनवाइट किया था, बट घर में मेरे खुद क्या फंक्शन है तो मैंने आज का फंक्शन अटेंड नहीं किया। कल लोहड़ी थी और जो स्मित का बेबी हुआ है, यानी फिजा की जो देवरानी है उसको बेबी हुआ था बेटा, तो उनके घर में बहुत बड़ी अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट हुई है, उसके लिए भी इन्विटेशन मुझे आया था, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, तो उसने मुझे एक हैम्पर भिजवाया है और मुझे उसके बेटे से मिलने भी जाना है। मैं अभी तक गई नहीं मिलने, देखा नहीं मैंने, जोहार जोआवर बहुत अजीब सा नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं हुआ था, जोर आवर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेटे से मुझे मिलने जाना है तो मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि सारे फंक्शंस निपट जाएँ, उसके बाद मैं कुछ लेके जाऊँ, पहली बार मिल के आऊँ। जसमीत से भी नहीं मिली, बुरा तो मुझे लग रहा है, बट घर में इतना कुछ फैला हुआ है ना, छोड़ के भी नहीं जाया जा सकता। हम सामान लेने गए थे, एक्चुअली सामान मार्केट, लोग कहेंगे मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, एक्चुअली मुझे कल घर जाना है और मेरे ससुराल से जितने भी लोग आए थे ना उन सब के लिए कपड़े देने थे, रिवाज है, तो उसके लिए कपड़े घर पे नहीं थे तो सबके लिए कपड़े लेने गए थे, गिफ्ट्स लेने गए थे। और मैं कल विदाओं के यहाँ से जब जाऊँगी तो सारे गिफ्ट्स घर से लेके जाऊँगी, बच्चों के अनमान वगैरह, तो इसलिए मुझे मार्केट जाना था। जल्दी गए, जल्दी आ भी गए। चुप, आप मुँह पे क्या लगा रहे हो? अरे क्रीम को छोड़ो यार बेटा, आप तो मेरी जान अलग ही हो। हाँ हाँ मैं दूंगा छोड़ो तो सही, कितना सुंदर है यार सच में। A few moments later, बस ऐसे। तो हम लोग बाहर गए थे डिनर पैक कराने, मैंने फहीम से बड़ा सुना है निसार, निसार की बिरयानी, तो मैं और बड़ी भाभी गए थे खाना और मीठा पैक कराओ के लाए हैं खूब सारा, बड़ा टेस्टी हो। हमने मीठा समोसा देखा है वहाँ पे, उन्होंने कहा इसमें प्योर खोआ है, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। हम लोग लेके भी घर पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है जहाँ तक है फहीम और उसकी दुल्हन दोनों आ भी चुके होंगे, मतलब पूरी फैमिली आ चुकी होगी। थक गए यार, बाहर बहुत ठंड है, थोड़ा काँप रहा होगा मेरा कैमरा, बट क्या करूँ, सामान भारी है। रात तक हम जागेंगे, हाँ हाँ आज हम जागेंगे, दो बज जाएंगे सोने में। अस्सलामुअलैकुम मम्मा, आ गई आपकी गंजू, नानू के साथ बैठे हो, पथलू नई दुल्हन आ गई, नई दुल्हन, वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? देख रही है नंद रानी जठानी के बगैर देवरानी अंदर कैसे घुसी, ऐसे घुसाती हूँ रुको। आ जाओ नंदी की ताकत देखो। आ जाओ भाई तुम्हारा कमरे में वेलकम है, रुको मैं देखो मैंने वो लाइट वगैरह सिस्टम करा है, रुक जाओ। नहीं नहीं हम ऐसे एंट्री नहीं करवाएंगे, ए बंदो रुक जाओ यहां पर, अरे कोई सरप्राइज नहीं है, प्लीज डोंट एक्सपेक्टेड कुछ भी। अरे यार मैंने डोंट एक्सपेक्टेड एनी सरप्राइज, एक्सपेक्टेड नहीं सॉरी एक्सपेक्ट। अरे रुक जाओ यार, बस यही और कुछ नहीं है यार, ये बाजी ने ये किया सरप्राइज के तौर पे। आ जाओ भैया, मैंने सिर्फ इनकी लाइट्स लगाई हैं आज खरीद के लाई थी। फोन चला दो फोन। हाँ बच्ची। लाइट लाइट। चलो आवा बच्ची। आ जाओ। आवा बच्ची। आ बिट्टी घरे आ गई तुम। लली घरे आ गई। लली नहीं बिट्टी। बिट्टी। मोरी। आ बिट्टी बैठो। ए लाइट जला दो यार, मैंने तुम्हारे रात के इंतजाम कर दिया लाइट जलाने के लिए, बहुत प्यार है। ये किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे नहीं पता किसने, तो मैंने वो सजा दिया। इनकी वीडियो चल रही है यहाँ पे शादी की मुंह दिखाई की, और यहाँ मेरे बच्चे पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं जो अम्बुआ ने मंगाया था।
खा लो। मैंने खाऊंगी। आपने मुंह पे क्या लगा लिया इतना सारा बेटा? सॉसेज। फहीम और फहीम की दुल्हन हमारे मम्मी के पापा के कमरे में आके बैठे हैं, इन्होंने यहीं पर डिनर कर लिया और यहाँ पे लपेटा जा रहा है धै बिरयानी धै बिरयानी, पूरा कटोरा खाली कर दिया। मजाक कर रही हूँ यार, लोगों का काम है बोलना। नहीं भाभी ने सिर्फ इतना ही लिया है, भाभी ज्यादा नहीं डाइट पर है। और ये चीज भाभी इनकी सोनी भाभी, और ये वाली भाभी को सुराहों में बहुत देखते हैं। सिकंदर की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज उनकी छोटी साली ने उनको मैसेज किया है। तेरा भी कट गया है ना और मैं इनका भी कट गया, किसी की साली नहीं है, साली तो नहीं है, इनकी भी नहीं थी, नहीं मेरे बड़े भाई की भी नहीं थी, सिर्फ एक ये वाले जो भाई है इनको पांच पांच सालियां मिली, इनको भरमार सालियां मिली। ये जैकेट में लेके आई हूँ मार्केट से, तो कश्मीर की यहाँ प्लानिंग हो रही है क्योंकि कल परसों दो दिन का टाइम है फहीम और रुखसार के पास, और इनकी वजह से हम भी लपेटे जा रहे हैं। हम बड़ा मन तो तुम्हारा भी अंदर अंदर। यार सच बताऊँ मेरा 10% मन था, थोड़ा बहुत तो होगा, 10% बोला ना, मेरा काम इतना अटका हुआ है। रुखसार भी लेकर आ गया अपने, कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई थी, तो भाई आकर्षण अलकनंद, ओ भाई लड़कियां भाई अलकनंद शॉपिंग करके आई है, जैकेट देखो अरे सच में बहुत अच्छी है यार, भाई रेंज जा रही है, तुझे पसंद है? क्या कर रही, नहीं ले 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 लो, अभी पसंद है तो ले ले, साने बोल दे। और ये सेकंड सेकंड सेकंड, नहीं ये अच्छी है, वो भी अच्छी है पर ये बहुत अच्छी है। दोनों नाइस है, बहुत अच्छी है, प्यारी है। ये बहुत अच्छी है, ब्लैक वाली तो बहुत अच्छी है। तो ये रुखसार यहाँ पे देख रही है, हम कश्मीर जाने की प्लानिंग, लेकिन एक चीज पता है क्या इसमें नहीं हुआ, इसमें जैसे ये है ना फैब्रिक टाइट होता ना, तो इससे तुम्हें फायदा ही होता कि तुम्हारे अंदर कुछ हवा पानी नहीं जाती, ये टाइट तो हो सकता है, इस तरीके से टाइट हो सकती है, रुको देखो, पर ये बहुत अच्छी है। इसमें ना फायदा पता है क्या होगा रुखसार, तुम्हारे पानी जाएगा बर्फ जाएगा तो अंदर नहीं, अंदर नहीं जाएगा, बट इसमें जाएगा। हाँ ये थोड़ा कम है, दिस इज लूज, बट ये भी सुंदर है, वो गर्म बहुत है, ये सुंदर बहुत है। मेरे पास ब्लैक कलर की पफर जैकेट है, ओके, बाकी तुमने ले लिया सब सॉक्स और सब कुछ टोपा वगैरह? हाँ कैप चाहिए, कैप चाहिए, मफलर चाहिए, कैप चाहिए, चाहिए, बूट्स चाहिए, बूट्स बस, तो फिर ठीक है, बूट्स भी ले लिए भाई, फुल तैयारी, ये लड़की बन देती यार, नून का ट्रिप बना। तो हम जा रहे हैं सोने, सब सो चुके हैं, सब लोग सो गए, तो हमने सोचा हम भी सो जाते हैं, गुड नाइट बाय।